सड़क में खड्डे या खड्डों में सड़क, कुछ समझ नहीं आ रहा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं अमित सचदेवा आज आप सबको लेकर आया हूँ फाजिल्का की पॉश कहलाने वाली एमसी कॉलोनी में, जहाँ की एक सड़क का जो हालात हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने दृश्य देखा, एक गाड़ी एक खड्डे से निकल कर जा रही है, जिसको यहाँ की जो पॉश कॉलोनी है एमसी कॉलोनी और जो आसपास जो और पॉश कॉलोनी बनी हुई है, विजय कॉलोनी और रॉयल कॉलोनी और रोज एवेन्यू, ये इसके साथ जो पॉश कॉलोनियाँ बनी हुई हैं उसके जो बाशिंदे हैं इनको इन्होंने इसका नाम दिया है स्विमिंग पूल। कहने को तो मजाक की बात लगती है, लेकिन ये दुखी हृदय से उन्होंने ये नाम दिया है, क्योंकि लगभग ये कोई आज की स्थिति नहीं है। ये सड़क में खड्डा कोई एक नहीं है, इस सड़क पर कई खड्डे इस तरह के आपको मिल जाएंगे। कहने को तो ये पॉश कॉलोनी एमसी कॉलोनी की सड़क है, एमसी से आप अंदाजा लगाएं तो ये म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से बनाई गई एक बहुत बढ़िया कॉलोनी है, लेकिन इसकी जो सड़कों के हालात हैं तो वो आपको आज हम दिखाने जा रहे हैं हमारे इस विशेष कवरेज में। ये विशेष कवरेज इसलिए है कि कॉलोनी वासियों ने दुखी होकर कल ही एक पोस्ट फेसबुक पर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जिसमें उन्होंने इस खड्डे को, जो खड्डा हमने अभी आपको दिखाया है, इसको स्विमिंग पूल का नाम दिया था। एक तरह से बहुत करारा कटाक्ष किया गया है, क्योंकि कई बार दरख्वास्तें देने के बावजूद, अपील करने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इस सड़क का कोई उद्धार नहीं हो रहा। कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन इस सड़क का कुछ भी नहीं हुआ। आइए आपको इस सड़क के हालात दिखाते हैं और साथ ही बात करेंगे इस सड़क पर बसे लोगों और इस सड़क से अन्य कॉलोनियों को जाने वाले लोगों के साथ। मदनलाल, मदनलाल जी, ये जो सड़क के बुरे हालात है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो शहर की मेन सड़क है जी, अब चूंकि लेके तीन कॉलोनियाँ लगती हैं, एमसी कॉलोनी, रॉयल सिटी, विजय कॉलोनी। हालात ऐसे खस्ता हैं, यहाँ पैदल चलना है मुश्किल, ट्रैफिक की बात तो क्या करें, कई बार एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत है। स्कूल स्कूल साथ में पड़ता है, बच्चे टपते हैं, कई बार गिर जाते हैं, कभी उठाने पड़ते हैं बच्चों, बहुत तकलीफ होती है इसके लिए। लिखित का मुझे पता नहीं है, बाकी बातें होती रहती है, क्योंकि एमएलए साहब का घर नजदीक पड़ता है यहाँ से, वो रोज टपते निकलते हैं, उनको पता है की सड़क के हालात कैसे है। सामान बाजार से लाते हैं, ट्रैफिक वाले मना कर देते हैं, टेम्पो वाले उसको नहीं सामान देते, क्योंकि हमारे को बहुत नुकसान होता है। हर मार्केट में असर है जी, हमारा सामान कोई ला के कुछ नहीं है, एमसी कॉलोनी के लिए, रॉयल सिटी के लिए, विजय कॉलोनी के मना साहब मना कर देते हैं। भाई साहब क्या नाम है? नवीन सर। नवीन जी कहाँ पर रहते हो आप? विजय कॉलोनी में। विजय कॉलोनी को जाने वाली जो सड़क है जिसके साथ हम अभी खड़े हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पता नहीं सर, ये कितनी देर से सड़क टूटी हुई है, तो हमने तो हम जब से यहाँ रह रहे हैं ये सड़क ऐसी है। तो कभी कोई एमएलए से या किसी अधिकारी से कोई बात नहीं हुई? नहीं, पिछली बार जब सरकार बन रही थी ना, तो तभी इलेक्शन में कहा गया था कि इसका कुछ एग्रीमेंट वगैरह जो इनका होता है कमेटी वाला, को बात चल रही है इनकी कि ये सड़क बना देंगे, टेंडर वगैरह हुआ, ऐसा कुछ कह रहे थे, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। नहीं, इसके बारे में ज्यादा क्या मांग करते हैं आप? मांग तो क्या करना है सर, ये सड़क बन जाए तो पूरे एरिया को थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि इस सड़क में ना दो स्कूल है, एक सेक्रेट ये होली आर्ट स्कूल हो गया और एक दूसरा सर्वाधिकारी स्कूल हो गया, और सैक्रेड को बच्चे भी यहीं से जाते हैं,
तो जब भी यहाँ बारिश हो जाती तो सबको यहाँ पे रूट चेंज करना पड़ता है, पूरा एरिया घूम के जाना पड़ता है, इस एमसी कॉलोनी को पूरा घूम के जाना पड़ता है। कुछ और रास्ता भी नहीं इसके अलावा, कोई कहता इन गलियों में से बहने सारे गुजरती है। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? राकेश कुमार जी। राकेश जी, जो सड़क के हालात हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बुरे हालात हैं जी, ये कम से कम मेरे हिसाब से 2 से 3 साल हो गए ऐसी हालत है। जब बारिश आई थी पूरी भर जाती है सड़क, पूरा कोई असर पड़ता है? पड़ता है जी, क्यों नहीं पड़ता। गाड़ियां यहाँ से आनी जानी बंद हो जाती हैं, गलियों में से निकलती हैं, कोई भी व्हीकल है गलियों से निकलता है। अभी भी आधे से ज़्यादा 70-80% लोग यहाँ से कवर ही नहीं करते, सीधा बाहर गलियों के गलियों में से निकल जाते हैं। तो क्या मांग करते हो आप? हम तो मांग करते हैं जी बनानी चाहिए, पता नहीं क्या बात है, नगर पालिका इतना बुरा हाल हो रखा है, कोई काम करके राजी नहीं है। मैंने 3-4 बजे लाइट खराब है, अगर ये सड़क की पूरी लाइट आधी चलती आधी खराब है, 3 से 4 बार कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई हल नहीं, आते हैं देख के चले जाते हैं। और सड़क की एक साइड बनी एक साइड अभी भी वो पत्थर डाल के छोड़ दी गई, इसके बारे में क्या कहना है? ये नगर पालिका कुछ इनका डिस्प्यूट चल रहा है कॉलोनियों के साथ, इसलिए ये पंगा है। ये बहुत देर का है, पहले बननी चाहती थी ये गांव के साथ अटैच करना चाहते थे, तब कुछ प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब कोई पता नहीं बन रही है नहीं बन रही है, समझ से बाहर है। रोहित मेडा। रोहित जी, ये जो सड़क के हालात है, एमसी कॉलोनी को जो सड़क आती है, स्कूलों को लगती है, कॉलोनियों को लगती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बस सिर्फ सब इससे परेशान है, कोई डीलर नहीं आता, कोई सामान नहीं आना जाता, आसमान आता तो आता आता टूट जाता है, इसका इससे सही बनना चाहिए जिससे सभी को परेशानी सबकी परेशानी खत्म हो, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपके काम पर भी असर पड़ता है इसका? बिल्कुल, सब टोटली असर पड़ता है, अगर कोई डीलर ये सामान ही ना आएगा तो बेचेंगे कहाँ से, खुद जाके लाना पड़ता है। तो क्या मांग करते हैं? बस जल्दी से बननी चाहिए, लोगों की परेशानी इसी से है ना, इधर कोई आता जाता सड़क टूटने के कारण, जिसको इमरजेंसी होता है बस वही आता है, वैसे नहीं आता कोई। धन्यवाद।